हे फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। जैसा आप जानते हैं कि इस देश के हर कोने में इतिहास बसा हुआ है, और इसी तरह की एक ऐतिहासिक जगह जिसका नाम है सोनगिरी, आज हमारा ट्रिप सोनगिरी के नाम होने वाला है। और सोनगिरी जैन समुदाय का तीर्थ स्थल है। एक पहाड़ी पर स्थित कई सारे मंदिरों का ये समूह जैन समुदायों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जिसको आज हम देखने जा रहे हैं। इसकी सुंदरता देखते ही बनती है, क्योंकि जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये पहाड़ियों पर मंदिरों की एक श्रृंखला है, और ये श्रृंखला में कई सारे मंदिर हैं जो बारी बारी से रोड के दाएं और बाईं तरफ बनाए गए हैं, और इनमें जैन समुदाय के जो भी उनके भगवान हैं, जो भी उनके पूज्य हैं, उनकी प्रतिमाएं, उनकी मूर्तियां स्थापित की गई हैं और उनके नाम ऊपर की तरफ लिखे गए हैं। हम बारी बारी से उन सबको कवर करेंगे, आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको किस तरह वहां जाना है ये बता देते हैं। ग्वालियर वहाँ का नज़दीकी स्टेशन है, और मुरैना से और ग्वालियर से आप इजीली वहाँ जा सकते हैं। झांसी से भी ये कुछ ही घंटों की दूरी पर है, तो वेल कनेक्टेड है ट्रांसपोर्ट से, और रोड से जा सकते हैं। ट्रेन स्टेशन भी है सोनगिरी, तो आप ट्रेन के द्वारा भी जा सकते हैं। सोनगिरी को प्राचीन काल में दो अलग नामों से जाना जाता था, जिनमें से एक नाम है श्रवणगिरी और दूसरा नाम है स्वर्णगिरी। स्वर्ण मीन्स सोना, तो सोने के मुताबिक ये जगह को माना गया है प्योर, पवित्र, और इसीलिए यहाँ पर ज़्यादातर आपको गोल्ड कलर यूज ज़्यादा किया गया है। पेंटिंग या फिर यहाँ पर जो प्रतिमाएं हैं भगवान की, उनमें गोल्ड कलर का यूज ज़्यादा किया गया है। ये है वो एंट्री गेट जहाँ से आप एंट्री लेते हैं मंदिर में। जूते पहनना अलाउ नहीं है, तो जूते आपको उतारने पड़ेंगे। एंट्री लेने के बाद इस तरह की सीढ़ियाँ हैं जो आपको पहाड़ी तक ऊपर तक ले जाएंगी, और जहाँ पर लास्ट जो 73 नंबर टेम्पल है वहाँ तक ये सीढ़ियाँ जाती हैं। सोनगिरी में काफ़ी सारी धर्मशालाएँ हैं और रुकने की उचित व्यवस्था है। हम लोगों को रुकना नहीं था, क्योंकि एक दिन में आप इसको पूरा अच्छे से कवर कर सकते हैं, इसीलिए हमने केवल भोजन के लिए ही ऑर्डर दिया था। और 60 रुपये में यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा सात्विक सादा भोजन आराम से मिल जाएगा। तो अगर आप बड़े बुजुर्ग के साथ में हैं, बच्चों के साथ में हैं, तो आपको खाने की कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। हे फ्रेंड्स, और हम आ जा चुके हैं सोनगिरी, और सोनगिरी फेमस है जैन टेम्पल के लिए, और ये हम चढ़ाई पे जा रहे हैं। ये यहाँ का मेन गेट है, आप देख सकते हैं यहाँ से, और हम बस जा रहे हैं चढ़ने। यहाँ पर धर्मशालाओं के नाम दिए हुए हैं, यहाँ पर रुक सकते हैं, और देखते हैं, काफ़ी अच्छे से बना रखा है, और आज क्राउड नहीं है, सैटरडे का दिन है। तो यहाँ से पीतांबरा देवी का जो टेम्पल है वो है 15 से 20 किलोमीटर, और छोटे छोटे मंदिर यहाँ पर हर जगह बने हुए हैं, जो आपको पहाड़ी से बहुत ही सुंदर। देखिए इसी तरह से वहाँ पर दिख रहा है आपको, और ये वाइट वाइट ऐसे ही चारों तरफ बने हुए हैं। यहाँ पे 11 नंबर और ये 20 नंबर टेंपल तक तो हम पहुँच गए हैं, और यहाँ पर भी है, ये रहे
देखते हैं। और यहाँ पे अगर आप ऊपर आते आते थक जाते हैं तो यहाँ पे रुकने का बैठने का है। और बंदरों के नाम लिखे हुए हैं, हम लोग जैनी नहीं हैं, लेकिन श्री मुनि सुब्रत नाथ जी का मंदिर है ये। और ये अंदर से बहुत अच्छे से एकदम कांच की कारीगरी की गई है इसमें, देखो क्या मस्त लग रहा है, वाह एकदम सी स्मेल जैसा लग रहा है और काफी अच्छा आप देख सकते हैं। और मैडम इधर आएगी थोड़ा सा, मैडम अपना रिव्यू देना चाहेंगी मंदिर के लिए। मंदिर बहुत सुंदर है, एकदम शांति है और बहुत ही अच्छा है, साफ सफाई है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसको देखिए जयपुर की याद आ रही है। इस बार फोटो खींच लेते हैं थोड़ा पॉज करके रिकॉर्डिंग। ऐसा लग रहा है ना एकदम सी स्मेल जैसा। और ये टेम्पल है बहुत ही अच्छा है। चलिए एक काम करते हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या आने वाला है। ये पार्थनाथ जी का है छोटा सा 17, और ये 23 महावीर जी। ये ना ये वाला कुछ फाउंटेन जैसा ऊपर टॉप में कुछ बना रखा है, लेकिन यहाँ जाने का रास्ता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, इतनी ऊंचाई पे आना ये काबिले तारीफ बात है। और वो जो दिख रहा है वहाँ पे, वो मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन अगर आपको पता है तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। ऐसा लग रहा है कुछ धर्मशाला है या कुछ है, पूछते हैं वहाँ नीचे जाके क्या है वो। तो ये आ चुके हैं 32 टेम्पल, अजीत नाथ जी और सुमित नाथ जी। ये तो हिंदू नाम लग रहे हैं, अजीत सुजीत भी हिंदू ही है। और वाव देखिए कितना मस्त यहाँ से व्यू आ रहा है, सुंदर है। सच बता रही हूँ फ्रेंड, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ की, एकदम शांति मिल रही है। और मौसम सबसे अच्छा तो मौसम है, गर्मियों में तो बिल्कुल मत आना, एक तो चल चल के हालत खराब हो जाएगी। ऊपर से दिगंबर जैन टेम्पल श्री ने लिया, इनने मुझे बीच में रोक दिया तो मैं कहाँ पर थी। हाँ गर्मियों में नहीं आना, सर्दियों में आना, धूप में आना, सर्दियों की धूप में, क्योंकि ये जो वाइट वाइट है ना एकदम से और भी ज़्यादा शाइन करता है और बहुत सुंदर लगता है। और इसीलिए हम लोग फरवरी के फर्स्ट वीक में आए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम धूप की सिकाई भी हो रही है, विटामिन डी भी मिल रही है, और सबसे अच्छी बात धूप चुप भी नहीं रही क्योंकि तो थकान हो चुकी है, तो सही लग रहा है। यहाँ अच्छा आएगा फोटो, देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है वहाँ से। अभी यहाँ से हम फोटो लेते हैं दो चार, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए ये छोटे छोटे से बहुत प्यारे से दिखा रखे हैं टेम्पल, अच्छे लग रहे हैं। एंड देखिए कितना प्यारा एकदम यहाँ पे है, बहुत ही शानदार बना रखा है इन लोगों ने।
देख सकते हैं आप, बहुत ही शानदार बना हुआ है। साफ सफाई है, मार्बल का लग रहा है हुआ, आप देख सकते हैं। आइए, छोटी छोटी छतरियाँ हैं और बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया है। यहाँ पर राइस का ये प्रसाद चढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप वृद्ध हैं और चढ़ नहीं सकते तो इस तरह की पालकियों की व्यवस्था की गई है जिससे आप पहाड़ी तक जा सकते हैं, जिस तरह से केदारनाथ और बद्रीनाथ में की जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारी पिकॉक हैं और काफ़ी अच्छा सफाई और बहुत अच्छा माहौल है, एकदम आवाज़ आ रही थी पिकॉक का। और फ्रेंड्स, हम इसके दूसरे बिल्कुल पार्ट में आ चुके हैं, दूसरे कॉर्नर में आप बोल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, एक बड़ा सा, इस तरह से आप बोल सकते हैं, बहुत बड़ा स्पेस है और यहाँ पर बीच में पिलर है। अगर आपको पता है इसका मतलब क्या है तो बताइएगा। वहाँ पर महावीर जी की मूर्ति है और काफ़ी शानदार, आपको कॉर्नर दिखाते हैं एकदम। चलिए, वो वाला हमारा फेवरेट पोज है, घूमते बनाएंगे क्योंकि ये स्पेस खुला हुआ है। और चलिए, ये हमारा ऑथेंटिक है, ठीक है, इसे कॉपी मत करना, हर वीडियो में आपको मिलेगा। अब कॉर्नर भी देखते हैं एकदम, यहाँ से पूरा सिटी दिखाई देगा। और ये महावीर जी की मूर्तियाँ, पूरा उनका परा रखा है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पूरा एकदम जो हिल एरिया है और ब्लैक कलर के पत्थर है, तो पूरा यहाँ पर ग्रीन ग्रीन एकदम व्यू दिख रहा होगा आपको। आप सोच सकते हो कितना सुंदर नज़ारा होगा, ठंडक और उसका एकदम अलग ही व्यू आता है, जैसे ताजमहल का व्यू आता है। ताजमहल का व्यू क्यों है, क्योंकि वो यमुना नदी के किनारे पर है और इसी की वजह से टिका हुआ है, क्योंकि तो ताजमहल को जो पिलर हमारे खड़े रखे हुए हैं वो पानी से ही चलते हैं, एक तरह से आप बोल सकते हो, पानी की नमी से ही वो खड़े हैं। जिस दिन पानी ख़त्म हो जाएगा, ताजमहल ख़त्म।
इसलिए पानी बचाओ ताजमहल बचाओ। पानी बचेगा तो ताजमहल बचेगा, इंसान बचेंगे पानी बचेगा तो। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, टिल देन बाय, और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दें मुझे।